इस वीडियो में आप लोग मुझे देखेंगे एपेक्स पीसी में स्ट्रगल करते हुए। मैं उड़ के स्क्वाड्स के पास जा रहा था फाइट लेने के लिए, तभी मेरे को दूर से एक चार्ज राइफल का शॉट आया, दूसरा शॉट आया एंड आई एम डेड। इस मैच में मैं सोच के आया था अच्छा तो करके जाऊंगा, भले ही जीत ना पाऊं बट डेफिनेटली अच्छा तो करके जाऊंगा। मैंने दो बंदे मार दिए तो मेरे को लगा अच्छा मौका है फिनिशर देने का, अपनी शील्ड फुल्ली रिचार्ज करने का। तभी वहाँ पे एक और टीम आ जाती है एंड मेरे पास ना गोलियाँ हैं ना कुछ है, बस मैं भाग रहा हूँ इधर से उधर, कोई गोली दे दो कुछ दे दो बट नथिंग। फिर मैंने ये पिट फायर उठाई एंड देखा ये बंदा रिवाइव कर रहा है, डेफिनेटली ये मैच बहुत ही अच्छा जा रहा था, मैं की लीडर बन चुका था एंड मेरे दोनों टीममेट्स ने बिलीव नहीं किया था नॉक होने के बावजूद भी। मैंने इसे रिवाइव मारा फटाफट एंड अपने ऑक्टेन को भी फटाफट से रिवाइव कर दिया, सोचा कि ये मैच अच्छा जाएगा बट ट्विस्ट यहीं पे है। मुझे पता था कि इस बिल्डिंग में एक और टीम है एंड मैं ऑलमोस्ट फुल हेल्थ पे था तो मैंने सोचा क्यों ना फाइट ली जाए, फाइट मेरे को ही महंगी पड़ गई। मुझे एक कावड़ की तरह फाइट छोड़ के भागना पड़ा। और आखिर में इस लाइफलाइन को मेरा अच्छा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं नॉक हो गया। नॉक होने के बाद ऑब्वियसली एग्जिट टू मेन मेन्यू। काफी समय बाद ब्रोकन मून इज बैक, मैप चेंज हुआ एंड मेरा खेलने का भी स्टाइल चेंज हुआ। तो मेरे को हल्की सी आवाज आई यहाँ पे, मेरे पास फ्लैट लाइन और लॉन्ग बो है एंड एक बंदे को देखा एंड नॉक कर दिया। एंड जस्ट लाइक बीइंग अ गुड टॉक्सिक प्लेयर, गिविंग फिनिशर इज सो इम्पोर्टेंट। सो टीममेट्स ने कुछ एनिमी स्पिंग करे थे एंड आई थॉट व्हाई नॉट रश, जस्ट रश देम। भाई वो बंदा ऐसे भाग रहा था जैसे अपनी लाइफ के लिए भाग रहा हो बट एट द एंड मेरे को दिख गया। एंड एक किल और सिक्योर कर ली। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद मेरे को फाइनली एक स्क्वाड दिखी एंड एज आई सेड जस्ट रश देम। एक बंदे को लॉन्ग बो से नॉक करा एंड अल्टीमेट फेंक दी तुरंत ही। अगर मेरा एम थोड़ा सा अच्छा होता तो उस बंदे को मैं वहीं पे नॉक कर देता बट मेरा एम अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। We'll be right back.
एट द एंड मेरी स्क्वाड ने मेरी हेल्प करी थी, विच इज गुड, ऐसा देखने को मिलता नहीं है एपेक्स में। क्रेवार के मिलते ही मैं एक और फाइट में कूद पड़ा। मेरे चंचल मन को लगा कि क्यों ना ट्रिक शॉट ट्राई किया जाए, विच आई फेल्ड। हाथ में दो ओवरपावर वेपन के साथ साथ सिर्फ एक स्क्वाड बची हुई थी मेरे विन के बीच। मेरा साथी नॉक हो चुका था, मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा हुआ था। मैंने वहां पे एयर स्ट्राइक डाली एंड इस बंदे को फायर करना शुरू किया, विच आई ऑल मिस्ड। इतना सारा हगने के बाद इस आखिरी बंदे पे मेरी पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी, प्लीज मेरे को जीत दिला दे। अब मैंने मान लिया था कि आज का दिन ही बेकार है एपेक्स में, पर फिर भी मैंने एक लास्ट गेम बोल के एक लास्ट ट्राई दिया। तो मैं पूरा एड्रेनलिन से भरा हुआ था, तो मैं सीधा रश कर दिया एंड जो कि बैड आइडिया हो सकता था। दैट वाज अ शॉट ऑफ पीके, पीके का तमाचा मारा मैंने ऑक्टेन को एंड स्पिटफायर का हिप फायर सीधा रेवेनेंट के मुंह पे मारा। And I became the kill leader again. जहां से gunshots आ रहे थे मैं सीधा उस direction में बढ़ चला। मैं sniper से इसलिए try कर रहा था क्योंकि मेरे को battle pass का mission करना था। मेरा टीममेट नॉक हो चुका था, तो मुझे लगा इस हीरो बनने का इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, बट मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं अपने टीममेट को बचा तो नहीं पाया पर उसे जीवन दान जरूर दे सकता हूँ, तो मैं सीधा रश कर दिया रिस्पॉन बीकन की तरफ। बीच में एक स्क्वाड से फाइट लेता हुआ फिर भी मेरा टीममेट मेरी प्रायोरिटी थी। एट दिस टाइम नो मैन लेफ्ट बिहाइंड वॉज प्रायोरिटाइज्ड। आखिर में टीममेट को स्पॉन देना वाज अ गुड आइडिया। मेरे पास लाइट एमो की कमी थी और आगे एक स्क्वाड और हमारा इंतजार कर रही थी। लाइट एमो ना होते हुए भी मैंने एक बहादुर सोल्जर की तरह फाइट ली, मैं मैदान से पीछे नहीं हटा।
बहादुरी का इनाम एक नॉक प्लस हम वो फाइट भी जीत गए। आखिरी की तीन स्क्वाड्स बची हुई थी, मुझे गोलियों की आवाज आई, मैंने अपनी सेंटिनल चार्ज करी और मैं सीधा फाइट की तरफ बढ़ पड़ा। मैंने आखिर के अपने सारे शॉट्स मिस करे, बट वी वर द चैंपियन इन द एंड। फाइनली मैं एक मैच जीत पाया एपेक्स पीसी में। बिल्कुल आसान नहीं है ये करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, एंड स्क्रीन में आ रही होगी एपेक्स लेजेंड सीजन 16 के चेंजेस की वीडियो, प्लीज चेक दैट आउट।